मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जीव, यह समय घोर कलयुग है। यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, यानी देखना बुरा अच्छा लगता है, अच्छा बुरा लगता है। यहां लोग गलत सुनना पसंद करते हैं, अच्छा सुनना वजनदार लगता है या तंग करने वाली चीज लगती है। यहां लोग दोगले बहुत हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए यह देखना जरूरी है कि जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं, क्या वो सही कह रहा है। भरोसा तो करना पड़ता है, लेकिन बड़ा समझदारी से, बड़े ख्याल से किसी पे भरोसा करो, और इतना भरोसा ना करो कि बाद में पछताते रह जाओ। यहां लोग यार दोस्त बनके धोखा देते हैं। हमने निष्कर्ष निकाला है, आजकल दोस्ती के मायने कुछ और हैं। या तो आपके पास पैसा बहुत है, या फिर राज पहुंच है, या फिर आप कोई ऑफिसर हैं, या आपके पास धन दौलत जमीन जायदाद है, लोग हो सकता उस पर निगाह रखते हों, या आपकी बहू बेटी खूबसूरत है। इन्हीं वजहों से लोग दोस्ती मित्रता करते हैं। कोई कोई होते हैं अच्छे संस्कार वाले, मालिक से प्यार करने वाले, जो बेगर्ज दोस्ती मित्रता करते हैं, और वही दोस्ती सच्ची होती है। मेप्रवा जी के वचन हमेशा याद रखने वाले हैं, होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए, बहुत जरूरी है इस युग में। कहीं ये ना हो आप आंखें मूंद के किसी के ओहदे को यकीन कर लें कि ये तो है ही अच्छा, ये तो होगा ही ऐसा, और अब आपको चूना लगा के चलता बने, आपको धोखा दे जाए। जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो हैं वो दिखते नहीं। जो संतों के वचनों का उल्टा मान लेते हैं, आप कैसे यकीन करोगे वो किसी इंसान की बात को गौर से सुनेंगे या मानेंगे। संतों का मकसद एक ही होता है, सारी सृष्टि सबका भला करना। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। सबको ये मालूम होता है, फिर भी उनकी कही बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, और जिनको अच्छी लगती है उनकी कुलें अच्छी बन जाया करती हैं। हमने अजमाया है, किसी के भले की कितनी भी बात कह लो उनको हजम नहीं होती। उनको लगता है मैं जो सोचता हूं वो सही है, और संत पीर फकीर जो कहते हैं वो गलत है। संत दयालु होते हैं, हर किसी का उनको दर्द होता है। नन्हे से बच्चे की चोट लगी, जिस तरह मां व्याकुल होती है उससे कई गुना ज्यादा संत पीर फकीर व्याकुल रहते हैं अपने शिष्य के लिए।
इसका गलत ना हो जाए, इसका अच्छा हो। पर लोग दरवाजे पे आई हुई खुशियों को ठोकर मार देते हैं और नरक चुनना चाहते हैं, नरक। संत रोकते हैं एक हद तक, एक हद होती है, उसके बाद नहीं रोकते, भरो नरक। क्योंकि वचन तो मानना नहीं, करनी तो मनमर्जी है। सबज बाग दिखाता है मन और मनमते लोग, जिसकी वजह से दरवाजे पे आई खुशियों को लोग ठोकर मार देते हैं। संत अच्छा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ करते हैं, पर अंदर मन जो बैठा है वो कहते नहीं, तू जो सोच रहा है वो सही है, संत जो कर रहे हैं वो सही नहीं। इसलिए लोग अपनी बर्बादी का कारण आप बन जाते हैं। किसी की बद्दुआ या किसी की वजह से नहीं मरते, दुखी होते अपने कर्मों की वजह से। संतों का वचन संतों का नहीं होता, अल्लाह वाहेगुरु राम की बात उनके दिमाग में आती है और वो लोगों को बता देते हैं, छोट सुई से लेके हाथी तक। कहने का मतलब ए टू जेड, जो मुरीद उसको मानता है, बाकी मुरीद की मर्जी, वो वचन माने ना माने, पर हमने अजमाया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी अपना विनाश करता है ना, जब विनाश के दिन आ जाते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, अच्छा अच्छा नहीं लगता, संतों के वचन भाते नहीं, मनमते अच्छा लगता है, मनमते लोगों की सिखाई बातें खुशी देने वाली बन जाती हैं और संतों की बात बुरी लगती है। दो तीन उदाहरण ऐसे हैं जो निजी सेवादारों का हमने देखा। वैसे तो सत्संग में बहुत निजी, मतलब जो दिन रात सेवा करते हैं, और संतों का कोई निजी ये नहीं होता कि जो दिन रात सेवा करते हों, उनके भाईचारे में, उनके परिवार में दो ऐसे चांसेस हमने देखे। कोई नशा करता, भाई छोड़ दे, माफी ले गया, फिर नशा करने लगा, छोड़ दे, फिर माफी ले गया, फिर नशा करने लगा, छोड़ दे, माफी ले गया, फिर सतगुरु मौला ने फिर वो माफी लेने आए तो ये निकलवाया, इस बार पियोगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। अब बताइए इससे बड़ा या इससे स्पष्ट बात क्या हो सकती है? हो सकती है कोई? बिल्कुल साफ ही निकल गया, मालिक ने कहलवा दिया। लेकिन जैसी वो फिर वचन तोड़ने लगे, नशा करने लगे, तो मौत हो गई। 100% अजमाई बात है। तो संत तो रोकते हैं, बेटा मान जा, तेरे भले की कहूं। परमपिता जी ने शेर बनाए हैं, ख्याल में नहीं आता, कभी सत्संग में सुनाएंगे आपको, उसमें काफी मान जा तेरे भले की कहूं, उसका मेन हेडिंग ये है। तो मतलब आदमी को लगता है नहीं, मेरे भले की नहीं कर रहे संत, क्या आपसे कोई दुश्मनी है, आपका बुरा क्यों करेंगे, क्या वजह, आपने कोई बुरा कर्म किया है, यह संतों से कोई बैर है जन्मों जन्मों का? नहीं, संतों का किसी से बैर हो ही नहीं सकता, तो आपका बुरा कैसे कर सकते हैं? पर मन में जो जच गई, मनमते लोगों ने खुद के अंदर एक नक्शा बना लिया, ऐसे होगा, फिर इतनी खुशियां, फिर ये वो फलां फलां, ये तो या तो वाहेगुरु राम जानता है, या वो राम जिस फकीर को चिताए, भक्त को चिताए, वो जानता है कि आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप तो जानी जान नहीं, और जानी जान की आप बात मानते नहीं, तो फिर दुखों के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, नरक के अलावा जिंदगी में कुछ बन नहीं सकता। तो संतों का काम समझाना है, बाकी मानो न मानो आप मर्जी के मालिक हैं भाई। पशु तो है नहीं जो गले में संकल डाल के खूंटे में बांध दें कि हिलने नहीं देंगे, ये खाना ही पड़ेगा चारा, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे कर्म करोगे एक दिन फल भोगना ही होगा, तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, दिखावे पे ना जाओ, वचनों पे अमल करो, यकीन मानो अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाओगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी और कुलों का उद्धार होगा। जो वचन मानता है, अमल करता है,
उसी का बेड़ा पार होता है।